युवा किसान से जाने कैसे टिड्डी दल के प्रकोप से अपनी फसल को बचाएं। किसान घबराए नहीं, टिड्डी दल के प्रकोप से होने वाले नुकसान से अपनी मूंग की फसल बचाएं। टिड्डियों को थाली ढोल बजाकर भगाने की जगह दवाई का स्प्रे कर मारें। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक, किसान घबराए नहीं, टिड्डियों से अपनी फसल को बचाएं। युवा किसान गोविंद बागवान ने टिड्डी दल के प्रकोप से अपनी फसल को बचाया। मूंग की फसलों को टिड्डी के प्रकोप से बचाने के लिए युवा किसान ने अपने खेत में 5 रासायनिक दवाइयों का ऐसा घोल स्प्रे किया जिससे कि जैसे ही आज सुबह टिड्डी दल ने उनके खेत में दस्तक दी, मूंग खाने लगी। और वैसे ही किसान गोविंद बागवान ने अपने बनाए गए रसायन स्प्रे को टिड्डियों पर छिड़का, वैसे ही टिड्डियों की मौत हो गई। जहां एक और मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन टिड्डी दल के प्रकोप को रोकने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, फिर भी टिड्डी दल को भगाने में असहाय दिख रहे हैं। और किसान भी कई प्रयत्न कर रहे हैं, जहां थाली बजा रहे हैं, आग लगा रहे हैं, धुआं कर रहे हैं। ग्राम पंचायत लाड़कोई के रहने वाले युवा किसान गोविंद बागवान को जैसे ही सीहोर जिले में टिड्डी दल आने की खबर मिली तो उसने खेतों में 6 रासायनिक दवाइयों का घोल मिलाकर छिड़काव किया, जिससे कि टिड्डियां मूंग के खेत से पत्ती फलियां खाते खाते ही टिड्डी दल की मौत हो गई। जिन दवाइयों का प्रयोग युवा किसान ने किया उसमें धाकड़, कोरोजन शार्प, नीथल, गोल्ड, नेनोबिगर, इन दवाइयों का घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे किया, जिससे कि टिड्डी दल के प्रकोप से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचाया। गोविंद बागवान ने बताया कि मैंने 3000 की 20 टंकी पानी का स्प्रे किया जिससे कि विनाशकारी टिड्डी के प्रकोप से मेरी फसल बच गई और टिड्डी दल ढेर हो गया। सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी फसल को बचाया है और आप भी अपनी फसलों को बचाएं, शासन प्रशासन के भरोसे न रहें। कि मैंने कल ही कुछ दवाइयों का छिड़काव करा था, जैसे कि कोरोजन है, लिथल गोल्ड, सार्फ, धाकड़, नैनोविगर का घोल मिलाकर मैंने छिड़काव किया था, उससे मेरी फसल को बहुत कम नुकसान हुआ है और टिड्डे भारी मात्रा में मेरी खेत में मरे हुए पाए गए हैं। इसे खाकर बहुत जल्दी मरे क्योंकि मैंने दवा कल ही छीट दी थी। मेरे को पता था कि आसपास के क्षेत्रों में टिड्डों का प्रकोप है और टिड्डे आ चुके हैं, इसलिए मैंने कल जल्दी दवाई का छिड़काव कर दिया था। 4-5 जो दवाइयों को मिलाकर मिश्रण करके इसका छिड़काव सुबह ही किया था और आज जैसे ही मेरे खेत में आई है तो जैसे ही फसल पर बैठी मूँग की और जैसे ही उसने खाना शुरू करा और खाते ही वो भारी मात्रा में उसकी मृत्यु होना निश्चित हो गई, इसलिए मेरी फसल को कम नुकसान हुआ है। अपने अपने खेतों पे जाकर ये 5 तरह की दवाइयों का मिश्रण करके अपने खेतों पर छिड़काव करें, जैसे कोरोजन, लिथल गोल्ड, सार्फ, धाकड़, नैनोफिगर, इन 5 दवाइयों का मिश्रण करके अपनी फसल पर छिड़काव करें, उससे ये टिड्डों से फसल बचा सकते हैं। जैसे कि मेरे खेत में ये काफ़ी मात्रा में टिड्डे मर चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, ये जैसे ही फसल खाई इनने वो मर गए, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मरे हैं और बहुत कम नुकसान हुआ है मेरी फसल को। बस यही कोशिश करता हूँ मैं किसान भाइयों से कि वो अपनी फसल को इस दवाई का छिड़काव करके बचा सकते हैं टिड्डों से। रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।